आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज 2018-19 का बजट संसद में पेश किया। बजट में आयकर की दर और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही आयकर में ₹40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की गई है। बजट पेश करते हुए श्री जेटली ने कहा कि 2016-17 में 85.51 लाख नए करदाता जुड़े हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करने में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर छूट को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया गया है। इस पर TDS भी नहीं कटेगा। किसानों के प्रति भी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। 96 जिलों में भू जल सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। 2,000 करोड़ से कृषि बाजार और संरचना कोष की स्थापना की जाएगी। 1,290 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय बांस मिशन बनाने का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर विशेष जोर दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं महिला कर्मचारियों के EPF में 3 साल तक 8% का योगदान सरकार द्वारा किया जाएगा। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2022 तक 50% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले विकासखंड में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। वहीं प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए एक शिक्षा नीति बनाने का फैसला किया गया है। श्री जेटली ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही उनके लिए एकीकृत BEd कार्यक्रम शुरू होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में श्री जेटली ने कहा कि 10 करोड़ परिवारों को इलाज के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जिला स्तर के अस्पतालों को उन्नयन कर 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 70 लाख नई नौकरियां देने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। साथ ही 1,000 छात्रों को IIT में PhD का अवसर दिया जाएगा। सरकार हर जिले में कौशल केंद्र भी खोलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 में रेलवे के समूचे नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदलने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का काम शुरू हो चुका है। सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में CCTV और Wi-Fi की व्यवस्था की जाएगी। सभी स्टेशनों पर स्वचलित सीढ़ियां भी लगाई जाएंगी। वहीं बुलेट ट्रेन के लिए वडोदरा में प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट 2018 की सराहना करते हुए कहा कि ये सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने की तरफ एक मजबूत कदम है। अनुसूचित जाति जनजाति के विकास और कल्याण के लिए आवंटित 95,000 करोड़ रुपए की राशि पर श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही श्री चौहान ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है उससे उद्योगों और निवेश में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में शिवपुरी जिले के कोलारस और अशोकनगर जिले की मुंगावली में 24 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी बाई साहेब यादव और कोलारस से देवेंद्र जैन अपना नामांकन 5 फरवरी को दाखिल करेंगे। नई ई-वे बिल प्रणाली आज से लागू हो गई है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक वाहन चालक को माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय ई-वे बिल साथ रखना जरूरी होगा। देश के सभी राज्यों में माल ढुलाई को समान रूप से सुगम बनाने के लिए यह प्रणाली शुरू की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में 9 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को कृमि नाशक दवाइयां खिलाई जाएंगी। बुरहानपुर जिले में सरकारी स्कूलों में आज से कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले के लगभग 13,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। और ग्वालियर स्मार्ट सिटी और इको ग्रीन कंपनी द्वारा 3 फरवरी को मैराथन का आयोजन किया जाएगा जिसमें एयरफोर्स, CRPF और पुलिस के जवान हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। We'll be right back.